So I think this is the overall retail discussion. Now let's talk about the India's largest IPO, which is approved by SEBI now. And इसमें मैं एक सिंपल और एक चीज प्ले आई वांट टू हाईलाइट इस दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री एंड दिस विल कम अराउंड 25,000 करोड़ विच इज अ $3 बिलियन एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ वैल्यूएशन ऑफ 18 to 20 बिलियन डॉलर विच इज 1.5 to 1.7 लाख करोड़ बट नोमुरा कम केम अप विद पॉइंट दैट दे नीड टू वैल्यू इट हायर देन द मारुति मारुति विच इज करंटली ट्रेडिंग एट 4,24,000 करोड़ एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ वैल्यूएशन ऑफ 1.5 to 1.7 लाख करोड़ बट व्हाट व्हाई नोमुरा इज सेइंग दैट ह्युंडई डिजर्व अ वैल्यूएशन प्रीमियम कंपेयर टू मारुति सो दे गिव टू थ्री पॉइंट्स दैट ह्युंडई का जो मार्केट शेयर है इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम 2008 to 2023 इट इज अराउंड 15 to 17% एंड नाउ दे आर अचीव द हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक सेल्स इन 2023 विच इज अ 6.02 लाख यूनिट्स विच इज अ 9% ग्रोथ एंड द रीजन ऑफ ग्रोथ इज द एसयूवी सेगमेंट विच इज क्रेटा एक्सट्रा वेन्यू उनकी जो गाड़ी आती है एंड 2025-26 में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च क्रेटा की ईवी ऑल्सो पेट्रोल हाइब्रिड एसयूवी एज वेल एज उनका जो जनरल मोटर का जो उन्होंने अभी प्लांट लिया है विच इज ऑल्सो रिसेंटली जो उन्होंने अक्वायर किया विच इज ऑल्सो स्टार्ट इन 2026 सो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल पूरे सिनारियो के कारण दे आर एक्सपेक्टिंग कि दे शुड गेट हायर वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू मारुति विच इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स सो विच इज ऑपरेटिंग एट 4,24,000 करोड़ का मार्केट कैप 28.8 का पी सो हाउ यू सी द थिंग्स इन दिस सेगमेंट एंड जो ये आईपीओ आ रहा है हाउ यू सी की हुंडई का आईपीओ आपको क्या लगता है उसमें उसके बारे में मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। रिसेंटली एक रिलेटिव ने कार लिया। क्रेटा इज द फ्लैगशिप कार ऑफ ह्यूंडई जिसपे वो लोग बेट कर रहे हैं। इट्स अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट थोड़ा सा कंपेयर टू, क्योंकि उनके पास एक इन्वेंट्री का स्टॉक स्टॉकअप हो गया है। क्योंकि जो चीज बोल रहे थे एसयूवी में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। कुछ कुछ मॉडल्स में एक रेडी डिलीवरी आपको मिलने लग गया। इफ यू बुक टुडे आपको मिल जाएगा कल। इट्स नॉट दैट हाइप नाउ एसयूवी का। कोई कोई मॉडल्स जो नए लॉन्च होते हैं उसमें रहता है, बाकी ज्यादातर मॉडल्स अवेलेबल है। एक ये ग्राउंड का चेक था। एक पॉइंटर कभी कभी आप ये भी चेक करते हो ना कि उसमें कितना वेटिंग पीरियड है, जो ये लोग एसयूवी एसयूवी का कितना चल रहा है बोलते हैं। हाँ, यस 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 वेटिंग आई पीरियड एग्री अगर नहीं है, इनके पास इन्वेंट्री पड़ा रहेगा। कोई भी डीलर 60 डेज के ऊपर इन्वेंट्री नहीं रखता है। 60 डेज के ऊपर जाती है वो इन्वेंट्री डिस्काउंट पे लिक्विडेट करना चालू करता है, और वो आगे से ह्यूंडई वाले से डिस्काउंट पे लेगा। एक छोटा सा पॉइंटर ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये मैं एक हुंडई का क्रेटा का एक सूरत का एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपके सिटी में अलग हो, लेकिन एक अपने साइड से ग्राउंड चेक जरूर करना है कि कौन से मॉडल में कितना क्या है वेटिंग पीरियड। क्योंकि वो बहुत बड़ा एक आपका होता है कि भाई आप उसे पता चलते हो कि इसका डिमांड है कि नहीं। डिमांड है तो ऑलरेडी उसका प्रोडक्शन है, तो वो एक चीज के बाद नहीं चलेगा। वो ओवरऑल उसका दूसरी साइड से भी सप्लाई आ रहा है। तो गिव यू एक और एग्जांपल, मारुति सुजुकी का विटारा वाला ब्रेजा भी मॉडल भी अवेलेबल होने लग गया हाई राइडर नाम से। वैसा बात है। तो आप कभी भी किसी कंपनी का वो एसयूवी एसयूवी का हाइप देख के खाली मत ले लेना। किया का सेल्टोस भी रेडी मिलने लग गया है, आई जो इसकी थिंक ह्यूंडई की सबसे महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा डूइंग ग्रेट वर्क इन टर्म्स ऑफ दिस उनका डिमांड इज वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ थार की बात करें या अगर हम बात करें उनकी जो स्कॉर्पियो 3XO। स्कॉर्पियो अच्छा सो उनकी जो डिमांड है विच इज वेरी हाई फ्रॉम लाइक 2019-2020 दे बोट आई थिंक वन डिजाइन कंपनी आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ कंपनी M&M बोट कोरियन कंपनी हाँ एक कोई तो कंपनी थी जो डिजाइन करती फैंसियोंग, नो थी सैन्योंग, सैन्योंग SSSAY। इटालियन डिजाइन कंपनी अच्छा ओके सॉरी। एक इटालियन डिजाइन कंपनी थी 2013 में इन्होंने एक्वायर किया उसके बाद एक 2020 के लमसम भी दे बोट सम कंपनी इन यूके अच्छा यूके सॉरी, वो मैं साउथ कोरिया बोला था। तो उन्होंने जब से हाँ तो उसके बाद इन्होंने एक डिजाइन सेंटर बनाया सो M&M सेटअप एन एडवांस डिजाइन सेंटर इन द यूके
और उसके बाद से अगर आप देखोगे ना, तो उनकी कंपनीज की जो डिमांड है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने जो कंपनी खरीदी थी, दे यूज टू डिजाइन फॉर द टॉप ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। एंड पोस्ट दैट एम&एम का जो आप डिजाइनिंग देखोगे, पहले अगर हम स्कॉर्पियो देखते थे तो जनरली पीपल यूज टू से कि यार ये तो सरपंच की गाड़ी है, कि गांव के सरपंच के लोग और वो सब चलाते हैं। बट आफ्टर दैट डिजाइनिंग चेंज, द डिमांड फॉर द महिंद्रा एंड महिंद्रा कार्स, लाइक इवन इफ वी टॉक अबाउट थार, इवन इफ वी टॉक अबाउट यू नो एनी अदर कार कंपनी वर्सेज महिंद्रा एंड महिंद्रा, यू विल ऑलवेज फाइंड अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द कार। एंड दे गेट द हायर वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ देयर कार्स। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट, एंड दे आर नाउ एट अराउंड 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप। दे ऑल्सो इंक्लूड अदर कंपनीज ऑल्सो, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग वेल। अगर हम उनकी सेल्स की भी बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में देयर सेल्स ग्रू एट 23% एंड देयर प्रॉफिट ग्रू एट 80%। सो दैट्स द थिंग। अगर हम स्टैंड अलोन लेवल की बात करें तो 31% का सेल्स ग्रोथ आया है, विच इज वेरी हाई, विच इज वेरी गुड नंबर। एंड प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज बाई 58% बिकॉज दे अर्न अ हायर प्रीमियम बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डिजाइन ऑफ द कार्स। सो दिस इज वन थिंग विच यू नो विच वन नीड टू ट्रैक। एंड देयर कार्स यूजुअली गेट अ हायर वेटिंग पीरियड। अगर हम थार की भी बात करते हैं तो जिस दिन आई थिंक रिलीज हुआ था उस दिन ही उनको 1-2 साल की पूरी मिल गई थी ऑर्डर हाँ, बुक। 1 ईयर वेटिंग पीरियड हो गया था। 1 ईयर वेटिंग हाँ पीरियड फर्स्ट डे पे थे। सो आई थिंक दिस का सो दैट्स व्हाई दे अर्न अ हायर प्रीमियम। नाउ कमिंग बैक टू द ह्यूंडई, सो व्हाट्स योर थिंग, व्हाट्स योर ओपिनियन अंकुश ऑन ह्यूंडई? निमिष, टिपिकली व्हाट हैपेंस इज आइडियली वन शुड अवॉइड अ बुल मार्केट आईपीओ दैट कम्स विद अ हाइप, बिकॉज टिपिकली वॉट हैपन्स, समझ लो अगर ये 1.5 1.7 लाख का अगर आईपीओ प्राइस है भी तो वो 50% ऊपर खुलेगा, राइट? तो यू आर प्रॉबली लुकिंग एट 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, तो उसमें यस यार आपके लिए ऊपर ना कुछ अपसाइड बैठता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, द बेस्ट टाइम टू बाय सच काइंड ऑफ आईपीओ इज द नेक्स्ट बेयर मार्केट। तो अगर आप देख लो ये सब टेक आईपीओ, जो जोमेटो, पॉलिसी बाजार, पेटीएम वगैरह, ये सब जो 2021 में आए थे, द बेस्ट टाइम टू बाय दो केम लास्ट ईयर, जो आपका 2022 का जो बेयर मार्केट जब अप्रैल 2023 में एंड हुआ, विच इज वेन दिस कंपनीज गॉट द राइट काइंड ऑफ प्राइसिंग, एंड तब वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो वैल्यूएशन और रिस्क रिवॉर्ड बैठता है ना, वो तब बैठा। अगर पास्ट एग्जाम्पल में देखो, 2018 के टाइम पे, सॉरी 2000, आई थिंक लॉरस गॉट लिस्टेड 2019 में, आई थिंक वो 2020 का जब बेयर मार्केट हुआ तब स्टार्ट हुआ चलना। सो टिपिकली बुल मार्केट के आईपीओज ना बेयर मार्केट, नेक्स्ट बेयर मार्केट में लेना चाहिए, बिकॉज टिल दैट टाइम ना आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड भी आ जाता है हाउ द कंपनी इज एग्जीक्यूट, बिकॉज फॉर द मोस्ट पार्ट द कंपनीज आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन द ग्रोथ दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट पोस्ट आईपीओ, बिकॉज ऑब्वियसली आईपीओ के लिए आपके लिए बहुत सारे कमिटमेंट करना पड़ता है, तो आपको जो वैल्यूएशन मिलता है उसको जस्टिफाई करने का ग्रोथ इज वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत रेयर होता है, स्पेशली ये सब हाइप कंपनी और लार्ज कंपनी में जिसमें बहुत ट्रैकिंग रहता है, राइट? सो फॉर द मोस्ट पार्ट आई टू पर्सनली डोंट लुक एट ऑल दिस कंपनीज, राइट? इवन इफ देखना है तो आईपीओ होने दो, बिकॉज आईपीओ में तो ऑब्वियसली आप ज्यादा कुछ तो ले नहीं सकते, मैक्सिमम आपको लॉटरी में का लॉट मिल गया तो मिल गया, वो तो ट्रेड ही है। आपको लेना है तो आपको लिस्टिंग के बाद ही लेना है, तो लेट देम लिस्ट, एक दो क्वार्टर का परफॉर्मेंस आने दो, राइट? एंड देन यू सी कि क्या है, अगर वो पॉइंट पे इट मेक सेंस टू यू देन यू बाय, राइट? एग्री अदरवाइज आप वेट करो, राइट? फॉर द मोस्ट पार्ट नेक्स्ट बेयर मार्केट जब आएगा तब आपको यू विल गेट मच बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस कंपनी। हिस्टोरिकली प्लेड आउट ऑलवेज कि अगर कोई हाइप आईपीओ आया है वो हमेशा आपको नेक्स्ट बेयर मार्केट साइकिल में सस्ते में मिलेगा और अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा, एंड दैट इज वेन इट्स द राइट टाइम टू बाय देम। और हिस्टोरिकली वन ऑफ द अनदर थिंग दैट इज प्लेड आउट इज टिपिकली द लार्जेस्ट आईपीओ दैट हैपेंस इज अ सिग्नल ऑफ अ टॉप ऑफ इट बुल मार्केट। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हो जाएगा, बट टिपिकली बुल मार्केट इज एन आउटकम ऑफ लिक्विडिटी, राइट? तो अगर आपका लिक्विडिटी बहुत एब्जॉर्ब हो रहा है तो हिस्टोरिकली देर हैज बिन मल्टीपल केसेज वेयर इन, सो लाइक लास्ट टाइम इंफ्रा के केस में 2008 में आर पावर आ गया था, राइट? तो अगर एकदम हाइप आईपीओ आता है और वो लिक्विडिटी सकिंग कर लेता है, दैट इज मार्केट से वन ऑफ द सिग्नल्स ऑफ अ बुल मार्केट टॉप ऑल्सो। तो ऑटोमोबाइल में लास्ट
few years has been very good. I mean, two wheelers को भी they are getting very good multiples, 55-60 का मल्टीपल मिल रहा है टीवीएस बजाज वगैरह को, राइट? सो आई मीन इट कुड हैपन कि इतना बड़ा अगर आईपीओ आ रहा है तो मे बी ऑटो ऑटो में टॉप बन जाए. तो दो काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, बट जनरली लेट्स सी, आई मीन लिस्ट होने दो, उसके बाद में Yeah, हाउ दे I डिलीवर. think even you are saying the right thing because we saw it in Zomato also, we saw it in Paytm also. Even LIC case में भी हमने देखा कि it let them come first, then let the performance happen, then we will see, then we will evaluate them on the basis of the post listing कि क्या हुआ, क्या किया उन्होंने. अगर they are performing, then you can invest and people made money two three times in the Zomato. Even in the Paytm also, like people who invested in at around 350, 400, they made, there is a, the stock is doubled now. एक्चुअली बुल मार्केट में ना, तो जो जिसका आईपीओ नहीं हो रहा ना, वो कंपनी देखना चाहिए, जिसका आईपीओ मतलब पार पे लिस्ट हुई जो ना कंपनी, हाँ, क्योंकि दैट सिग्नल्स की वहां पे ना कोई देख नहीं रहा है. तो वो यस, कंपनीज देखो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड, मतलब ऑब्वियसली उसमें से आधे से ज्यादा कंपनी तो ऑब्वियसली बिजनेस अच्छा नहीं होगा इसलिए उनको मल्टीपल नहीं मिला, बट बाकी कुछ कंपनीज होगी जो मार्केट ने देखा ही नहीं, क्योंकि क्योंकि यार आईपीओ में तो सब ना जीएमपी देखते हैं, अगर बड़ी कंपनी नहीं है तो छोटी कंपनी में तो सब जीएमपी देखते हो, तो उसमें गेम बनता है, राइट? तो एग्री. किसी को वैल्यूएशन नहीं मिला है, जैसे सेंको है, राइट? सेंको ऑल्सो गॉट तो लिस्टेड एट ब्रॉडली एस पार, उतना हाँ सस्ता ये था, आई पंद्रह थिंक बीस 15-20 बीस का में. मल्टीपल था, आई थिंक. मुझे हाँ, मुझे कोई ध्यान है. इंटरेस्टेड नहीं था, राइट? पीएमआई देख लो, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट पार पे लिस्ट हुआ, 30-30 टाइम्स मल्टीपल था, उसको भी कोई वैल्यूएशन नहीं था. सो दोस कंपनीज हैव डन, क्योंकि उनने डिलीवर किया. तो अगर आप वैसे वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रहे हो, इवन इफ आपने नॉर्मल डिलीवरी दी, तो आपको स्टॉक प्राइस अच्छा करेगा. ये सब जो मार्केट हाइप में आईपीओ आते हैं, उनका वैल्यूएशन नहीं इतना होता है कि उनको वहां से पैसा बनाने के लिए यू नीड अनदर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ यस, बिजनेस, एग्री विच एग्री 99% ऑफ द कंपनीज आर नॉट एबल टू डिलीवर, विच इज वाई आपको वो नेक्स्ट बेयर मार्केट साइकिल में वो बेटर अपॉर्चुनिटी देगा कभी.